हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से हमारी पैथन क्लासेस में आपकी स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। हमने इससे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जाना कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। अब हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। इससे पहले हमने दो तीन प्रोजेक्ट भी किए थे, जैसे कैलेंडर का निकालना, पीडीएफ स्प्लिट करना, ऐसे प्रोजेक्ट भी हमने किया था। तो बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट आते रहते हैं। हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब हम बात करेंगे जो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं एक्सेल में, उन चीज़ों का, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, और यहाँ पे एक आता है नॉट इक्वल टू। हालांकि एक्सेल में हम लोग नॉट इक्वल के लिए ग्रेटर दैन, लेस दैन इस तरह का यूज कर लेते हैं, बट पैथन में मोस्टली ए यूज होता है। हम इसको भी ट्राई करके देखेंगे कि इसका इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। चलिए साथ में हम बात करेंगे इफ का यूज क्या होता है। अब जैसे मुझे जस्ट रिजल्ट चेक करना है, तो हमने यहाँ पे ए इक्वल टू 20 कर दिया, ए इक्वल टू 20 कर दिया। अब मैं यहाँ सिंपल सा प्रिंट कमांड के अंदर, या आप बी पे ही कर सकते हैं कि बी इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन 50, सिंपल सा, या आप यहाँ पे बी इक्वल टू 30 कर दीजिए और सी पे कीजिए कि सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। अब जो रिजल्ट आएगा उसको हम प्रिंट करवाते हैं सी पे, तो प्रिंट सी। अब यहाँ पे मैं रन करके देखता हूँ तो आप नीचे देखेंगे कि फॉल्स है, क्योंकि जाहिर सी बात है ए बी से बड़ा नहीं है। हाँ, अगर मैं बी को ए को अगर 40 कर देता हूँ, देन रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने ट्रू आएगा। तो रिजल्ट सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में आता है, चाहे आपने ग्रेटर देन दे दिया या आपने लेस देन कर दिया। अगर मैं इस पर लेस देन भी कर देता हूँ तो वहाँ भी फॉल्स देखे आ रहा है। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूं, अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या क्या है देख लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे दोनों पे हमने कर दिया 40, दोनों 40 हैं। अगर मैं इक्वल टू हटा देता हूँ ना, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है, ए ग्रेटर देन बी नहीं है बड़ा, फॉल्स आया। लेकिन जैसे इक्वल टू हम करेंगे तो हो जाता है क्या ए बड़ा और बराबर है, बड़ा और बराबर है, तो ये ट्रू आता है। तो ये आपका इक्वल टू का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि हम इक्वल टू कैसे लगाते हैं इसमें। इसमें एक इक्वल टू आता है, लेकिन पाइथन में नॉर्मली एक्सेल प्रोग्राम में जस्ट इक्वल कर देते हैं तो इक्वल हो जाता है, बट पाइथन में हमें डबल इक्वल करना पड़ता है। कि मुझे ये बताना है कि बी इक्वल टू सी है या नहीं है, बी इक्वल टू ए है या नहीं है। तो बी डबल इक्वल एंड ए करेंगे तब रिजल्ट आपके सामने ट्रू या फॉल्स आएगा। देखिए रिजल्ट आपके सामने ट्रू आया, तो डबल इक्वल टू। और नॉट इक्वल के लिए हम यहां पे देते हैं ए वाली कॉलम। अब यहां पे बी नॉट इक्वल टू ए तो फॉल्स आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दोनों इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे 41 कर देता हूँ, 44 ही कर दिया मान लीजिए, चलिए, तो आप यहाँ पे ट्रू देखेंगे। लेकिन मैंने इसे बताया कि हम लोग लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का इस्तेमाल एक्सेल में करते हैं, तो क्या पैथन में वर्क करेगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा लेस देन ग्रेटर देन, जाहिर सी बात है रेड कलर हो गया, इसका मतलब ये वर्क नहीं करेगा, ये यहाँ पे एरर दे रहा है। तो नॉट इक्वल टू का हम यूज कहां करते हैं, सिंपल इसमें। इस तरह से अब बात आती है कि ट्रू फॉल्स को लेके करना क्या है, बेनिफिट क्या है ट्रू फॉल्स का। देखिए इसका यूज जनरली हम लोग इफ स्टेटमेंट में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ए इक्वल टू कर दिया इनपुट, और इनपुट में बोल दिया यहां पे कि एंटर नंबर।
अब जो बंदा नंबर एंट्री करेगा हम चेक करेंगे। अब उन्हें क्या है कि मान लीजिए ना कि मुझे एंटर नंबर नहीं, एम पर एमआरपी करना है हमें, एमआरपी। अब मुझे इस पे टैक्स कैलकुलेट करना है, तो टैक्स का सिंपल सा बात है कि एमआरपी अगर ग्रेटर देन 500 हुआ, जी हाँ, एमआरपी अगर 500 से ऊपर आया तो टैक्स आएगा 12%, अदरवाइज आएगा जस्ट 5%। तो मान लीजिए टैक्स कैलकुलेट करना है, तो यहां आ गया। अब यहां पे इफ स्टेटमेंट देंगे, इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां कंडीशन देंगे कि ए इज ग्रेटर देन 500, और फिर यहां पे हम देंगे कॉलन, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे कर्सर आया। अब यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम कर देते हैं प्रिंट, और प्रिंट में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ए यहां पे, सॉरी माफ कीजिएगा, ए कीवर्ड में दब गया है। यहां पे हम देंगे द जी एस टी इज, और फिर कॉमा यहां पे हम कर देते हैं ए मल्टीप्लाई बाय। अब यहां 12% तो नहीं लिख सकते क्योंकि गलत होगा 12% लिखना, तो हम क्या करेंगे यहां पे, हाँ 12% ले तो रहा है, फिर यहां पे एल्स देते हैं, एल्स, और यहां पे सिंपल सा इसी कोड को यहां हम रन कर देंगे, यहां एल्स लिखवा नहीं चाहिए, हाँ, और इसमें हमारा 5% आ जाएगा। देखिए मुझे जहां तक लग रहा है कि गलत है, एक बार रन करके देखते हैं, गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में परसेंट 0.01 है। अब सही है, देखा रेड कलर हट गया नीचे का, यहाँ देखिए रेड कलर लगा हुआ है ना, रेड कलर लगा हुआ मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है, पहले पता चल जाता है 0.12 हमने कर, वन यहाँ पे 0.05 होगा, सिंपल। अब इसको रन करके देखते हैं, अब यहां पे एमआरपी मैंने 500 डाला, अब यहां पे हम ए इक्वल टू int a, क्योंकि ए यहां पे स्ट्रिंग है इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात। यहां पे हम रिजल्ट आ गया 25.0, क्योंकि हमने 500 दिया है, तो 500 का 5% निकाला क्योंकि ग्रेटर देन। अब इंट क्यों लगाना, क्योंकि इनपुट बॉक्स इनपुट जो है ए इक्वल इनपुट बाय डिफॉल्ट वो इसको टेक्स्ट समझ रहा है, क्या समझ रहा है, टेक्स्ट समझ रहा है, इसलिए इसको इंटीजर में मुझे कन्वर्ट करना पड़ा। तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं, तो इफ कंडीशंस में ए ट्रू एक लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल होंगे और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट लाया करेंगे। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं मल्टीपल च्वाइसिस के, मल्टीपल ऑपरेटर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। जैसे कि एक्स इक्वल टू हमने यहाँ पे 15 कर दिया, अब सी इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा कि 10 लेस देन एक्स ग्रेटर देन 20। अब इसमें रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने कि 10 एक्स से छोटा है और x और 20 x से बड़ा है, तो रिजल्ट आना चाहिए ट्रू, जी हाँ ट्रू, सॉरी ये ग्रेटर देन हो गया, यहां लेस देन करना, लेस देन, अब ट्रू आएगा, ट्रू है। देखिए यहां पे क्या हुआ कि 10 छोटा है x से और x छोटा है से 20 से, इससे रिजल्ट आया ट्रू। अगर मैं यहां पे ग्रेटर देन दे दूं दूसरा कंडीशन,
तो ए फॉल्स आएगा। मतलब कि दो से ज्यादा कैलकुलेशन एंड के बेस पे करने के लिए समझिए इस तरह का यूज किया जाता है कि 10 छोटा छोटा है एक्स से और एक्स बड़ा है 20 से, तो ये फॉल्स आएगा। ये फॉल्स आना स्वाभाविक है। इस तरह के मल्टीपल कंडीशंस भी हम कर सकते हैं। अब मल्टीपल में कितना कर सकते हैं? बहुत सारा कर सकते हैं हम। जैसे वन वन लेस देन टू, लेस देन थ्री, लेस देन फोर, इस तरह से ये कर सकते हैं। रिजल्ट आपका यहाँ पे ट्रू आया। कहाँ एक दो से छोटा है, दो तीन से छोटा है, तीन चार से छोटा है, सिंपल सा। अब इसी में आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वन लेस देन टू एंड टू ग्रेटर देन थ्री और थ्री लेस देन फोर, जो कि गलत हुआ क्योंकि टू ग्रेटर देन थ्री नहीं हो सकता, इसलिए फॉल्स आया। अब इसी में अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हैं, तो ये जो ऑपरेटर्स है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं और जिससे रिजल्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। और इसको विस्तार से आगे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं।